हम मौजूद हैं जो कि यहाँ के ऑनर हैं, ये हमें पूरे गाइड करेंगे, यहाँ के क्या क्या स्पेशलिटी है सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? तो ठीक है। अच्छा जमील साहब, ये पहले बताएं यहाँ के लोकेशन के बारे में बताएं, इस रेस्टोरेंट के बारे में बताएं, सब चीज़ें तो गाइड करें हमें थोड़ा सा, तो क्या स्पेशलिटी सब चीज़ों के बारे में बताइएगा। लोकेशन यहाँ की जो है वो लियाकताबाद सिंधी होटल, सबसे पहले तो एड्रेस बता दूँ मैं आप लोगों को, लियाकताबाद सिंधी होटल मोहम्मदी कबाब हाउस, शॉप नंबर 56/1, 57/1 ए एरिया। और जो है लोकेशन यहाँ की इस तरह से है कि अगर नाज़ाबाद, करीमाबाद, आयशा मंजिल, वाटरमूम वाले आना चाह रहे हैं, या इस तरफ से गुरु मंदिर, सदर वगैरह से वहाँ से लोग आना चाह रहे हैं, तो डाखाना मेन डाखाना चौक से देखेंगे आप, इस तरफ पुरानी सब्ज़ी मंडी पर रोड जा रहा है, पुरानी सब्ज़ी मंडी फैज़ान मदीना वाला रोड, जो रोड फैज़ान मदीना पर जा रहा है वो रोड बिल्कुल सेंटर में पड़ेगा आपको मोहम्मदी कबाब हाउस। और हसन स्क्वायर, बहादराबाद, गुलशन और नीफा वगैरह से कोई आना चाह रहा है तो वो भी फैज़ान मदीना वाला रोड यूज़ करेगा। फैज़ान मदीना से लेफ़्ट के ऊपर रोड आ रहा है अंदर, अस्करी पार्क भी है और फैज़ान मदीना भी है। तो पुरानी सब्ज़ी मंडी थी पहले यहाँ, अब फैज़ान मदीना बन चुका है, और फैज़ान मदीना तो था, अब वहाँ पे अस्करी पार्क बन चुका है। ठीक है, वो रोड अंदर आ रहा है लेफ्ट में। ठीक है। अच्छा सर, हमें आपकी पहले जो स्पेशलिटी बताएं क्या क्या है, प्लस अब कहाँ से स्टार्ट लें ये भी हमें बता दिए थोड़ा सा। हमारी स्पेशलिटी जो है वो है बीफ मक्खन फ्राई कबाब है, ठीक है, बीफ बिहारी बोटी है, चिकन बिहारी टिक्का है, ठीक है, चिकन और बीफ मिक्स चंदन कबाब, सही। तो बीफ साफरानी बिरयानी है, बीफ कोरमा है दानेदार, ठीक है, स्पेशल आइटम है। ओके, चलिए कहाँ से स्टार्ट लें, चलें आगे अंदर चलते हैं, आइए आइए ना, आगे चलते हैं। बारबेक्यू जी सर, ये हमारे बीफ गोला कबाब है, ठीक है, ये चिकन और बीफ मिक्स चंदन कबाब है, सही, ये सीख कबाब स्पेशल, इसको आप वैसे भी सीख कबाब खा सकते हैं बनवा के, और इसको मक्खन फ्राई भी करवा सकते हैं, सही, पूरी पराठा और तंदूरी रोटी के साथ खाया जाता है, ये ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा, चपाती, पूरी पराठा, तंदूरी रोटी, बीफ मक्खन फ्राई, ठीक है। अच्छा ये कौन सी बोटी है? ये चिकन मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी है, चिकन मलाई बोटी है ये स्पेशल, इसके अंदर मलाई का इस्तेमाल होता है, चिकन बोनलेस के अंदर ये बनती है, ठीक है, चेस्ट के अंदर, लेग में, चेस्ट में, जिसमें बनाना चाहें, ठीक है, चिकन मलाई बोटी, ये बीफ बिहारी बोटी, बीफ बिहारी बोटी, ठीक है, चलें ठीक है सर आगे चलते हैं। ये चिकन स्पाइसी बोटी, चिकन स्पाइसी, चिकन स्पाइसी बोटी, ठीक है, डन हो गया। हमारी चटनी है स्पेशल, ग्रीन चटनी है ये, बहुत लाजवाब ये, जो बारबेक्यू के साथ, सिर्फ बारबेक्यू के साथ यूज़ होती है, ठीक है, ये रायता है बिल्कुल प्योर दही का स्पेशल रायता, रोल के अंदर यूज़ होता है चटनी दोनों, पूरी पराठा भी है, ठीक है, पूरी पराठा भी है, तंदूरी रोटी भी है, तवे वाला पराठा भी है, और पूरी पराठे के अंदर दो ऑप्शन है आपके पास, बड़ा नहीं लेना चाह रहे छोटा 50 रुपये का पराठा भी है, ठीक है, 80 रुपये वाला भी है, कोई 80 वाला नहीं लेना चाह रहा 50 रुपये वाला भी है, ठीक है, 100 ग्राम उसका वज़न है 50 वाले का, और जो है 80 रुपये वाले का जो वज़न है वो 140 ग्राम का पराठा है बड़ा, जब मतलब एक बंदा खाए तो पेट भर जाए उसका। चपाती भी है, फरमाइशी चपाती घी वाली कहलाती है वो भी है,
बड़ी चपाती होती है, कबाब के साथ यूज़ होती है, फरमाइशी कोई रुमाली चपाती कहता है, कोई कागजी चपाती कहता है, वो चपाती भी है, तंदूरी रोटी भी है, शीरमाल भी है, ताफ्तान भी है, कुलचा भी है, बेसनी पराठा भी है, रवे मैदे का पराठा भी ऑर्डर पर तैयार किया जाता है हमारे पास, दूध वाली रोटी भी मिल जाएगी आपको। इसके मोहम्मद ही नंबर वन है हमारे याकूबाबाद के। ये कितना कौन सी बिरयानी है बशीर, इसके बारे में थोड़ा बताते भी रहेंगे सब। पुलाव लगा रहा हूँ, कौन सा है? मटन ग्रीन, मटन ग्रीन पुलाव है ये बकरे का। ठीक है, मटन ग्रीन, मटन ग्रीन पुलाव बन रहा है ये। बशीर ये तो खोल दे, खोल दो, खोलो चूल्हा खोलो। वन कलर स्पेशल जर्दा ये भी ऑर्डर का, शादी ब्याह का भी ऑर्डर होता है, बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, माशाल्लाह काम हमारा भी ये भी है। कौन सा ये? ये ऑर्डर की ये भी बिरयानी है, माशाल्लाह जो दुकान पे लगती है वही क्वालिटी है, वही चावल है, ये टेबल बिरयानी है। कौन सी, बटर है, बीफ है, ये चिकन है? चिकन है। ठीक है, ये भी ऑर्डर किए माशाल्लाह, ये भी तैयार है। शादी ब्याह के ऑर्डर होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, अपना दुकान का काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सही है, दुकान का काम भी ये भी हो रहा है माशाल्लाह। अभी ये उसके चावल दाल में तैयार कर रहे हैं इसको। अच्छा, ये अपना ये वही ग्रीन पुलाव का है, ये ग्रीन पुलाव है, सही, ग्रीन मटन पुलाव ना? हाँ, मटन ग्रीन। कितने किलो पे ये? तकरीबन है कोई 20 किलो, 10-10 किलो की देंगे। ठीक है, 10 किलो। तो उसमें क्या क्या ऐड कर रहे हैं ग्रीन पुलाव में, क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? ये बहुत सारी चीज़ें होती है जनाब, गरम मसाले होते हैं, धनिया होता है, टमाटर होते हैं, और भी 2-4 आइटम हैं वो भी होते हैं, माशाल्लाह जो भी खाता है तारीफ करता है। ये यखनी है, ये कौन सी है? ये अपनी दुकान की, हमारा दुकान चिकन बिरयानी, चिकन बिरयानी इसके अंदर जो है आलू मुर्गी सब बिल्कुल पानी निकालने पर, बिल्कुल मुर्गी भी बिल्कुल वी आई पी होती है, कोई चर्बी वगैरह कुछ नहीं होता, साफ सुथरी होती है बिल्कुल ब्लैक की, पूरे पूरे साफ सुथरी मुर्गी यूज़ करते हैं, चावल काउंटर बिरयानी है हमारे रेस्टोरेंट के बंदर है। बिरयानी तैयार हो रही है, ऑर्डर तैयार हो रही है, एक प्रोग्राम में जा रही है हमारी पार्टी के, मतलब आप ऑर्डर तैयार कर, बिल्कुल इसकी रखनी रेडी हो चुकी है, चावल के लिए लेकिन क्या आ ये बताओ इसका रेट, चावल जो है हमारा बासमती चावल है, बहुत बहुत अलग वगैरह देखें इसकी आप, ये देंगे भाई देखिए इसकी खुशबू आपको तो आ रही होगी, मतलब ये हमारी चिकन की बिरयानी भी अभी बनाया, ये सारा प्रोसेस चल रहा था, ये चिकन की बिरयानी में आएंगे चावल भी रेडी है, ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, उसके बाद आ जाए आप चौथे नंबर, ये आ जाए आप चौथे नंबर, ये पकड़ना मशीन वो भी दे दो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हम जर्दा तैयार हो रहे हैं, ये देखिए अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी वगैरह बाकी है, 10-15 मिनट में बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर हम लोग लवाजमात डालेंगे, बादाम, पिस्ते, गुलाब जामुन, खोया, स्पेशल हो जाएगा ये जर्दा, अभी तो खाने में तो फिर मज़ा ही अलग है ना उसका। जी जमील भाई, थोड़ा ऑनलाइन के ऊपर बताइए कुछ, कैसा डिलीवर करते हैं ये चीज़ें, बस ये कि हमारे रेफरेंस से क्या आप देंगे हमारे व्यूअर्स को? चिकन बिरयानी 5 किलो की देख हम लोग बनाते हैं 8,500, 5 किलो, 8 किलो की, 5 किलो की देख 8,500 की बनाते हैं, आपके चैनल के थ्रू अगर कोई कस्टमर आएगा हमारे पास तो उसको हम 8,000 रुपये की देंगे, 500 रुपये का डिस्काउंट 5 किलो की देख में, और 10 किलो की देख में 1,000 रुपये का डिस्काउंट, 16,000 की देख चिकन बिरयानी है, बासमती चावल बिल्कुल आला क्वालिटी की, चिकन गर्दन पूरी पूरी हटा देंगे उसमें से, चर्बी कलेजी हर चीज़ उसकी साफ़ होगी बिल्कुल गोल्डन, और बासमती चावल आला क्वालिटी का हमारे पास यूज़ किया जाता है, 16 वो देंगे आपको बना के 19,000 रुपये की, ठीक है बिल्कुल, उसके अंदर अगर 1 kg आप गोश्त रखें तराजू पे, उसके अंदर आप उसकी हड्डी अलग करेंगे तो उसमें 100 ग्राम हड्डी आएगी,
100 से 150 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होगी। बोनलेस की तरह बच्चे का गोश्त होगा बिल्कुल। डिलीवरी करवा देंगे, डिलीवरी चार्जेस होंगे ऑल कराची ऑर्डर सिर्फ ऑर्डर के ऊपर। बाकी जो हमारा रेगुलर जो हमारा नीचे रेस्टोरेंट के ऊपर चल रहा है बारबेक्यू, बिरयानी, चरगा, लाइव पढ़ाई, चाय वगैरह, उसकी हम लोग डिलीवरी अब अपने राइडर हम लोगों ने इंशाल्लाह अरेंज कर ली है। करीब करीब की राइड हमने शुरू कर दी है डिलीवरी। बाकी फूड पांडा से भी रब्ता कर लिया है इंशाल्लाह। क्या चार्जिंग होते हैं जमील भाई, ये बताए आइडिया, नॉमिनल चार्जेस क्या होते हैं? मैं आपको मिनिमम बताऊँ कि यहाँ हमारा, मैं अभी खड़ा हूँ लियाकताबाद सिंधी होटल मोहम्मदी कबाब, यहाँ से अगर मुझे कोई ऑर्डर करता है कि 5 दे गए मैम मिनिमम क्यों करते हैं? सही है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा मीटअप है, तो आज हम लोग रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं, तो हमारे कोई और से मैं आपको तारीफ करना चाहिए, हमारे साथ यूट्यूब पर यूट्यूबर तो हमारे साथ आई है। और ये फेमस यूट्यूबर हेरा के साथ, हाँ अलमारी से निकाल के मैंने ही पहनी है ना। आप कुछ कहना चाहिए? खाने का वेट देख लिया, अब हल्से ढंगर बच गई है, तो ये है कि हम लोग ये फैमिली और भी मौजूद है यहाँ पे, देखिए फंक्शन चल रहा है और हमने ढाबा बोल दिया, तो यहाँ पे आए जरूर आए, आप उनको दिखा दें क्या क्या बस खाएंगे, स्पेशली इनके चंदन कबाब के स्पेशल हम लोग खाएंगे, जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुईज़ अब्दानी और मैं मज़ेदार पॉइंट मेरा चैनल का नाम है, मैं भी आया हुआ हूँ मोहम्मदी कबाब हाउस, और यहाँ के चंदन कबाब, बिरयानी, कोरमा और बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे होते हैं, खानों का बुफे लगा हुआ है यहाँ पे, तो अब ट्राई करेंगे, रिव्यू करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट ख्वाजा भाई जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मेरा नाम ख्वाजा फैसल है, मेरा चैनल है फूड एंड ट्रैवल विद ख्वाजा। आज हम लोग आए मोहम्मदी होटल पे यहाँ के मज़ेदार खाने एंजॉय करने, यहाँ के कुछ कबाब मशहूर थे, चंदन कबाब या कुंदन कबाब वो मशहूर है, वो खाते हैं और चीज़ें ट्राई करते हैं और आपको उसका रिव्यू देते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, देखते हैं क्या यहाँ पे क्या कुछ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और मेरे चैनल का नाम है घूमते घूमते, और घूमते घूमते मैं आ चुका हूं मोहम्मदी कबाब हाउस में, जिनके कबाब मशहूर नहीं बे इंतहा मशहूर, और खाने के बाद होगा मामा अकबल तो कई डम डमा डम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फारूक, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पास, भाई के पास, और आज हम आए हैं मोहम्मदी कबाब हाउस, और मोहम्मदी कबाब हाउस के अंदर हम यहाँ पे आए इनके डिशेस को टेस्ट करने के लिए, डिशेस कैसी हैं कैसी नहीं हैं। मैं हूँ P4 प्रॉपर्टी से मोहम्मद फारूक, हमारा चैनल देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ साथ जो भाई का चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब करना है, इसको आगे लेके जाना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उमर है, बेसिकली मेरे चैनल का नाम है आरिफ डिजिटल स्टूडियो, हम लोग बेसिकली वेडिंग शूट हो गया है, कॉपरेटिव इवेंट हो गया है, इवेंट मैनेजमेंट हो गया है, ये सारे काम हम लोग करते हैं, हमारे पास अपने सारे इक्विपमेंट वगैरह हैं, सोनी कैमराज वगैरह, ड्रोन वगैरह, तो किसी भी टाइप का आपका कोई इवेंट हो, कोई शूट कराना हो, कोई बुकिंग करानी हो, तो मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ 03422804931, और आरिफ डिजिटल स्टूडियो के नाम से हमारी लोकेशन भी है और हमारा ऑनलाइन फीस। मैं हूँ हीरा फ्रॉम हीरा के साथ, और आज हमारा मीटअप है ग्रैंड मीटअप, और हम लोग ये देख लें, ये खामोश नहीं हो रही क्योंकि बोल सके, बैठ जाए हम लोग हैं मोहम्मदी कबाब हाउस में, खाना सर्व हो रहा है, यहाँ का खाना बहुत फेमस है, स्पेशली इनके चंदन कबाब और ज़ाफ़रानी बिरयानी, वो हम ट्राई करेंगे। मेरा नाम सिद्रा है और मेरे चैनल का नाम सिद्रा खान ब्लॉग्स है, डेली ब्लॉग्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। अभी हम आए थे डेली कबाब हाउस, और ये जो है ना, अभी हमने फूड रिव्यू नहीं किया है, फूड रिव्यू जैसे ही करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी खाना कैसा है। थैंक यू। मी माई सेल्फ रबिया खान, अ शेफ एंड इन्फ्लुएंसर, तो आज भी मैं आई हुई हूँ मोहम्मदी कबाब हाउस पर और फूड रिव्यू करेंगे हम लोग, बहुत मज़े का यहाँ का पाकिस्तानी फूड होता है, तो मज़े से हम लोग इन्जॉय करेंगे, देखते रहे, अच्छे अच्छे से। ये कौन सी कबाब है? चिकन
जनाब चरखा भी आ चुका है, ग्रिल चरखा। अच्छा भाई चरखा भी आ चुका है, प्लेट देंगे चरखे की आपको मैं दिखा सकूँगा। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं सुफियान, चैनल का नाम है मेरा कराची लाइफ स्टाइल, और कंटेंट जो है मैं मुख्तलिफ कराची की लाइफ दिखाता हूं, जिसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, फूड प्लेसेस हो गए, मार्केट प्लेसेस हो गए, और पिकनिक पॉइंट्स वगैरह हो गए, तो ये सब जो है मेरा कंटेंट है। तो आप लोग जाइएगा, कंटेंट विजिट कीजिएगा, पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो बताइएगा इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। थैंक यू। और हमारे साथ जो है इमरान भाई हैं, इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने जो है मुझे मतलब अपने साथ जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, हमारा खाना आ चुका है, हम खाना खाते हैं, डिनर करने के बाद आप उसका रिव्यू देंगे, तो बस साथ रहिएगा। अच्छा दोस्तों, हमने खाना खा लिया माशाल्लाह से, खाना एक बेहतरीन किस्म का है। खाना कैसा लगा सर, पहले ये बताएं। आला, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मोहित भाई कैसा लगा खाना? बहुत जबरदस्त, बहुत आला। और आप? खाना इतना जबरदस्त है कि सारा खत्म कर दिया। बहुत अच्छा। आप भाई? खाना ऐसा था जो टिक्का है ना, लाजवाब लाजवाब, क्या बात, ठीक है। और आप लोगों को खाना कैसा लगा, प्लीज थोड़ा सा? बहुत जबरदस्त खाना, एक से एक चीज थी, स्पेशली इनका बारबेक्यू चंदन कबाब खत्म है, जिसपे ये कह रहे थे कि बीफ और चिकन मिक्स का, अब हम यही सोचे थे कि क्या टेस्ट होगा उसका, लेकिन बहुत जबरदस्त। एवरीथिंग इज गुड, गुड, ऑसम, ओके। एंड यू? जी माशाल्लाह से खाना सब कुछ बहुत टेस्टी था, हर चीज़ का अपना अपना ज़बरदस्त फ्लेवर था। आप ऐसे नहीं कह सकते कि यार इसका जो है वो बिहारी टिक्का वो नंबर वन था या बिरयानी नंबर वन थी, हर चीज़ का अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिच सा फ्लेवर था। आप देख सकते हैं हमने क्या हाल कर दिया, सब कुछ खा लिया। अब जल्दी से उठा लिया जाए, नहीं तो ये भी हम खा जाएंगे, सब खत्म कर देंगे। तो आई हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग ज़रूर आए, बहुत अच्छा खाना। थैंक यू सुफियान। Your comment? Pizza was awesome. Prawns was a little bit raw. ठीक है सुफियान। Mike. आवाज़ नहीं आई मतलब मेरी। चलो ऐसे ही कर लें सामने, ऐसे ऐसे हाथ में रख के कर लें, कौन सा नहीं रिव्यू देना चाहिए। मुझे यार ये ड्यू बहुत पसंद आई। नहीं वैसे चंदन कबाब जो है ना बड़े क्लास के थे, और अमून बिरयानी इस तरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह में ना सिंधी बिरयानी होती है, लेकिन ज़ाफ़रानी बिरयानी जो है ये एक अलग यूनिक लगा मुझे, वरना अमूमन सिंधी बिरयानी होती है मसाले वाली। अच्छा आइटम था ये, तो बहरहाल अच्छा खाना था, बेस्ट था। मैंने स्टार्ट में खाया था, बाद में क्या हाल पूरा चरगा इन्होंने ख़त्म किया पता नहीं। चले बहुत बहुत शुक्रिया, चले थैंक यू सो मच। येलो मिलन जो चले दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मोहम्मदी कबाब हाउस में एक दफ़ा आप खुद भी विजिट करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, कि फिर मिलते हैं किसी और, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।